टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई के आज़ाद मैदान में आज किसानों का एमएसपी सहित कई कृषि कानून बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हो रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में नासिक, पुणे, महाराष्ट्र के अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। वहीं मुंब्रा के रेती बंदर टोल नाके से गुजरने वाले किसानों का सम्मान सत्कार मुस्लिम भाइयों की तरफ से किया गया है, साथ में ही इनके चाय पानी का भी बंदोबस्त किया गया था। सुबह सुबह यहाँ से जितने भी किसानों की ये टोली गुजरी है, उन्हें चाय, बिस्किट, पानी देकर उन्हें नाश्ते का बंदोबस्त किया गया था। इस दौरान यहां से गुजरने वाले किसानों से भी हमने बातचीत की है और साथ में मुस्लिम भाइयों के तरफ से जो ये बंदोबस्त किया गया था उसमें मुफ्ती अब्दुल बासित, मौलाना वहाब कासमी और मोहम्मद मतीन ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप तुंगर, कॉम्रेड प्रदीप तुंगर। हम लोग अम्बाड़ी से है। ये आप लोग आज़ाद मैदान आज कृषि कानून को लेकर जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो कहा कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं, आप लोग भी आंदोलन वापस ले। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। 15 लाख का जुमला ही था ना, 15 लाख बोले किधर दिए, नहीं दिए तो ये भी बोला है कि होएगा तो किधर होएगा। आपने को ऐसा संसद में उनका ये करके मांगता है, तो पास करना मांगता है संसद में। इस वक्त मुल्क में जो हालात है और गवर्नमेंट बिल्कुल तानाशाह हो रही थी और इस जालिमाना कानून एक के बाद आ रहे थे। CA NRC आया, उसके बाद फिर किसानों के ऊपर आया और भी बहुत से मसले मसाइल ऐसे आए जो लोगों को हजम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट अपनी सत्ता में अंधी होकर के कानून पर कानून ला रही थी। किसानों के आंदोलन ने उनको पीछे कदम उठाने पर मजबूर किया और पहली मरतबा 7 साल के अंदर मुल्क के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम अपना कानून नहीं समझा सके या जो भी कह करके उन्होंने अपना कानून वापस लिया है। तो ऐसी ताकत को का साथ देना और उनका इस्तकबाल करना हर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के दस्तूर पर यकीन रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि उनका साथ दें और उनको आगे बढ़ाएं, उनको हौसला दें। इसलिए जो आज़ाद मैदान में किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये मुमरा रेती बंदर से गुजर रहे थे, तो यहाँ के नौजवानों ने, उलमा ने और यहाँ की आवाम ने मिल करके उनका स्वागत रखा है। हमारे जमीयत उलमा के भी ज़िम्मेदार हैं, पॉपुलर फ्रंट के भी ज़िम्मेदार हैं और भी दूसरे लोगों ने क्या कहते हैं इसका सपोर्ट किया है। असल में आज आज़ाद मैदान में किसान लोगों का इज्तिमा है, वहाँ हुकूमत के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को मनवा रहे हैं। तो नासिक, पुणे, वहाँ के जो किसान आ रहे हैं तो यहाँ के नौजवान लोगों ने कहा कि भाई हम उनका इस्तकबाल करेंगे, रास्ते में उनको चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह देंगे, ये किया जाए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो जिसमें हमारे मतीन भाई थे और मुफ्ती अब्दुल बासित साहब थे और उनके साथी लोग थे, इन लोगों ने कहा किया जाए, तो हम लोग भी चले आए और यहाँ देख रहे हैं माशाल्लाह सुबह से जो है लोग आ रहे हैं, उनकी खिदमत हो रही है और उनके साथ एक जहती का मामला ये टीम कर रही है और उनको दुआएं दे रही है और ये कह रही है कि अल्लाह ताला इनके इस आंदोलन को कामयाब करे। आज जो है आज़ाद मैदान के अंदर राकेश टिकैत और उन जैसे बड़े लीडर्स वहाँ पर आ रहे हैं। ये पूरा जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए हम वहाँ पर जा नहीं सकते थे दिल्ली, तो वो यहीं से गुजर रहे थे। तो इसके लिए हमारी टीम ने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने और बाकी लोगों ने जो उलमा इकराम है मुमरा शहर में, उन सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम को बहुत जल्द कम टाइम के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने यहाँ से जाते वक्त में इसको पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है और इसके अंदर ऐसा एक रिस्पांस मिला है कि जिसके अंदर हम लोग मिल करके बहुत सारे आगे काम कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन गैप्स होता है, जिस तरह से CPI CPM और बहुत सारी यूनियंस है उनके बड़े बड़े लीडर्स से मुलाकात हुई है, उनसे बातें हुई है और उनका यहाँ से जाना हुआ है और बहुत सारे किसान भी यहाँ से गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने यहाँ पर बिस्किट, चाय, नाश्ता करके आगे उनको हमने भेजा है। अलहमद